कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जनपद बहराइच के 17 जगहों पर ड्राई रन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने मेडिकल कॉलेज समेत सभी टीकाकरण सेंटरों का जायजा लिया। ड्राई रन निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम मानकों को अभी भी पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर डीएम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भड़क उठे और उन्होंने जल्द से जल्द कमी को पूरा करने का निर्देश दिया। आगामी कुछ ही दिनों में कोरोना वैक्सीन सभी जगह पहुंच जाएगी और लोगों का टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लिहाजा जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर सभी सिस्टम को सही कर लेना चाहता है। इस मौके पर डीएम शंभू कुमार ने बताया कि टीकाकरण को लेकर सभी रिहर्सल पूरे कर लिए गए हैं। सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी सुरक्षा के साथ एहतियात बरतते हुए टीकाकरण का कार्य संपन्न करना है। पहले जाते ड्राई रन कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कोरोना की बीमारी है उसके बचाव के लिए सरकार ने टीकाकरण को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। तो आज हम लोगों ने जनपद के 17 जगहों पे जहाँ पे टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा उसके लिए ड्राई रन का रिहर्सल किया है। किस तरीके से टीकाकरण के लिए लोग आएंगे, उनको किस तरीके से टीकाकरण की सारी चीज़ें प्रोटोकॉल पालन करते हुए दिया जाएगा, इस पूरी व्यवस्था का हम लोग एक ट्रायल किए हैं और एक अच्छी तैयारी देखने को मिली है। और कुछ जगहों पे ड्यूटी और भी लगाए जाने की जरूरत थी तो उसके लिए निर्देश दे दिया गया है। और एक एक व्यक्ति जो भी इस टीकाकरण सत्र के आयोजन में शामिल होंगे स्वास्थ्य विभाग के, उन सबको ट्रेनिंग दी गई है और कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसका आवश्यक तरीके से सही तरीके से पालन करने की सारी तैयारियां की गई है। काफ़ी अनियमितता पाई गई है, अभी आपके द्वारा भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। डॉक्टरों को कहाँ पे किस जगह पे किस रूम में रहना है इसकी एक लिखित ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है, ताकि सत्र के दौरान कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और अव्यवस्था ना हो लोगों की, क्योंकि एक दिन में 100 से अधिक लोगों के टीकाकरण किया जाएगा, तो भीड़ भाड़ ना हो, पर्याप्त तरीके से जो है बैठने की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था, ये सारी तैयारियां की गई हैं। और आवश्यक तरीके से जो मेन पावर, जिस कमरे में जितने मेन पावर होने चाहिए उसके लिखित में आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।